साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप प्रतिदिन की तिथि, नक्षत्र, जोग का मान, द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं अपने विषय की ओर, देखते हैं शौचालय निर्माण में महत्वपूर्ण संकेत। जब आप शौचालय का निर्माण करते हैं, यानी मकान जब बनाते हैं तो उसमें शौचालय की का निर्माण भी आप करते हैं, तो निर्माण के समय क्या महत्वपूर्ण संकेत है, क्या महत्वपूर्ण विषय है, उस पर ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता है। शौचालय के लिए आप समझते हैं कि बहुत लोग आपके घर में जब आते हैं तो कहते हैं कि आपका शौचालय यहाँ सही नहीं है, यहाँ होना चाहिए, यहाँ कर दिए होते तो आपको वास्तु दोष से आप बच सकते थे। अन्य अन्य बातें जो है, आपके घर में जब कोई जानकार व्यक्ति, कोई ब्राह्मण व्यक्ति प्रवेश करता है तो आपको अनेक तरह की बातें उनसे सुननी पड़ती है। आप भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर हमने मकान तो बनाया लेकिन इनके अनुसार ये मकान मेरा सही नहीं है, यानी शौचालय हमारा सही नहीं है। ऐसी स्थिति को लेकर के आप लोगों को भ्रम भी पैदा होती है, तो भ्रम से बचने के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संकेत हम लोग आज सीखेंगे और देखेंगे। ऐसे भूखंड जिसमें पश्चिम या उत्तर में सड़क हो, उस पर निर्मित मकानों में यदि पश्चिम में शौचालय अथवा स्नान गृह बनाना अपरिहार्य हो तो उसका भूमिगत जल संग्रह मध्य उत्तरी भाग में रखें। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जल का संग्रह जो है मध्य उत्तरी भाग में ही रखना चाहिए। जिन भूखंडों में पूर्व या उत्तर में सड़क हो, उस पर निर्मित मकानों में ईशान में शौचालय निर्माण कराना अत्यंत यदि आवश्यकता हो तो वह आवश्यकताएं घातक होता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए और तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं, सब वास्तु शास्त्र में उसे हमें अध्ययन करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अशांति, असाध्य रोग तथा सदस्यों में अपराधी प्रवृत्ति का उदय देखा जाता है। जिन भूखंडों में पश्चिम एवं दक्षिण में सड़क हो, उसमें निर्मित मकानों में नैऋत्य में भूमिगत जल संचक यानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक कदापि न रखें, अन्यथा जीवन में परिणाम जो होते हैं वह भीषण होते हैं। जिन भूखंडों में यानी शौचालय बनाना हो, जिन भूखंडों में दक्षिण एवं पूर्व में सड़क हो, उसमें निर्मित मकान में आग्नेय में शौचालय बनाना आवश्यक होने पर भी यह ध्यान रखें कि स्नानागृह पूर्व में ही हो। इन बात जितने भी बातें बताई जा रही है बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको जीवन में बहुत ही उपयोगी है। इसे आप ध्यान से देख करके और इसका अनुकरण करेंगे या अपने जाचक को बताएंगे तो निश्चित ही आप एक जानकार व्यक्ति बन जाएंगे। यदि उद्योग धंधों में यानी बड़े बड़े कंपनी इत्यादि में शौचालय का निर्माण करवाना है तो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि उद्योग में शौचालय आग्नेय दिशा में बनाना हो तो इसे पूर्वी कंपाउंड वॉल से 1 मीटर हटकर यानी 1 मीटर दूरी पर बनाना चाहिए। शौचालय का निर्माण कंपाउंड वॉल से स्पर्श करता हुआ नहीं हो। ये मुख्य बातें थी जिसे आप लोग शौचालय को लेकर बहुत भ्रमित होते रहते हैं, बहुत तरह के लोग बहुत बातें करते हैं, तो इन बातों को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाने का कोशिश किया है। यदि इससे आपको लाभ प्राप्त होता है, इससे जानकारी आपको बढ़ती है तो निश्चित ही लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे, धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।